एक हो गए हम और तुम, हम्मा 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 तो उड़ गई निंदे रे, हम्मा हम्मा हम्मा, एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई निंदे रे, तो छन की पाय मस्ती में छम खन खन के रे, हम्मा हम्मा व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ विकी और ये है गुरवीर। आज करने वाले हम रिएक्शन कोक स्टूडियो पे, और गाने का नाम क्या है? गाने का नाम है आया लाड़िए। आया लाड़िए, पहले हमने नहीं सुना ये गाना कोक स्टूडियो में। मैंने सुना तूने भाई? कोक स्टूडियो का अपन फैन है, बट मैंने नहीं सुना ये गाना। बहुत बड़ा फैन है अपन। पर सुना है कि मतलब कमेंट्स आए थे कि इस गाने पे रिएक्शन करो, तो आई थिंक मैंने सोचा कि इस पे रिएक्शन करते हैं। चार रूट करेंगे। कैसा है? चावड़े गाना है, सबका सब कर देगा। मराठी, किसी मराठी का भूत आ गया। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ कि ये गाना मतलब तूने अब सुन रखा है, तो किस तरह का है? अच्छा गाना है कि क्या है? अरे बात, अरे भाई साहब, जहाँ कोक स्टूडियो की बात आ जाती है ना भाई, वो मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है बाबा, अलग ही जोन है, एक अलग फीलिंग है, और मतलब क्या बताएं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आज मैंने जो सिलेक्शन करी है गाने की, वो मेरा जोनर है। अच्छा, मतलब कि आज गुरवीर का मतलब मनपसंद गाना मैंने आज रिएक्शन करने का सोचा। गाना नहीं, कोक स्टूडियो ही मेरा मनपसंद है। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें बाद में करते हैं, पहले सुनते हैं। बेसब्री से मुझे भी लग रहा है कि कैसा गाना होगा और क्या होगा। टाइम खोटे नहीं करने का भाई। अरे एक मिनट, चलो जी, चलो निकाला जाए कोक स्टूडियो। 1 2 3 स्टार्ट। आवाज कोक स्टूडियो। तबला ये ढोल के। शादी वादी का जो ओकेशन होता है उसमें ये गाते हैं। नसीबा नाल ए घड़ियां आउंदियां, नसीबा नाल ए घड़ियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां। जीजा जीजा, एक्चुअली ये शादी वादी होती है ना हमारे में, पंजाबी जिनकी वेडिंग होती है उनमें ये सॉन्ग बहुत गाया जाता है, आया लाड़िए। तेरे से 3 साल छोटा हूँ।
ठंडे दुनिया भर के बाजार की शादी घंटा करनी है तुम्हें। स्टूडियो वाले आए थे, ओ यार उनका मतलब म्यूजिक था, म्यूजिक सिस्टम था। सुबह से इन्होंने अपनी बैकग्राउंड वगैरह पूरी लगानी स्टार्ट करी और इतनी धमक थी ना म्यूजिक में। एलपी लवली कॉफी फ्रॉम द मिस्टर देने रब तू वेला अपने होवन कोल ते सजदा शगना दाए गाना सुन के ना एक्चुअली एक चीज फील हुई मुझे। बाकी पहले सब बात तो सुन ले, तू पहले सब कुछ छोड़, पहले ये बताओ कोक स्टूडियो कैसा लगा यार। सच बोल रहा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या फील मैंने करा एक्चुअली, मतलब इतना सही लगा ना, इतना सही लगा एक्चुअली यार। गाना सुन के मुझे एक चीज फील आई कि जब किसी भी लड़की की शादी हो रही होती है
तो हम लड़के हैं ठीक है, हम अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते हैं, बट एक लड़की जो मतलब बहुत एक अपने माँ बाप से बहुत करीब होती है, बहुत अटैच होती है, वो अपने घर वालों को छोड़ के ठीक है, इतने साल प्यार मोहब्बत रखने के बाद वो मतलब घर वालों को छोड़ के एक पराए लड़की के पास जो इसे जानती भी नहीं, अननोन होता है जिस इंसान से, उसके पास चले शट अप सॉन्ग में तू अभी नहीं पति दोनों मुझे तो यही फील हुआ यार। और मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि यार मतलब सिंपल बात है, सिंपल ही है और क्या। तो मतलब ये है कि भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी लड़की आती है शादी करने के बाद तो प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें, और प्यार लड़कों से रिस्पेक्ट है कि प्यार बहुत करें और कि उसको अपने घर की याद ना आए। और मतलब कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि अपना लड़की को जाने नहीं देते घर पे, मतलब पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे आप खुद फील करते हो वैसे उसके लिए भी फील करना चाहिए। अब कर ले मस्ती जो करनी डीप चला जाता है कभी कभी, ये छोड़ो यार तुम। अरे भाई गाना बंदे ने इतना सही मेरे को दिखा दिया ना यार, क्या बोलूँ मजा आ गया। और यार मतलब ये एक वेडिंग सॉन्ग, ऐसा वेडिंग सॉन्ग था मतलब जैसे हमारे एक्चुअली पंजाबी कल्चर है ना उसमें इस तरह के सॉन्ग बनते हैं, और जैसे सालियाँ जीरी के लिए गाती हैं, काफी जीरी होती हैं, रिबन कटाई होती है, तो वो एक खुशी का माहौल होता है ना यार। कटाई रिबन कटाई साले नान कटाई निकल आ रहे हैं हम यार, रिबन कटिंग होता है वो, रिबन कटाई अबे जो भी है साले रिबन रिबन कटिंग रिबन कटाई ठीक है, जो भी होता है वो अलग अलग होता है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिन्हें नहीं पता रिबन कटाई अच्छा डिप्पा बल्ले 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 नहीं आज तू कित्थे चली है, मोरनी बनके मोरनी बनके मोरनी बनके मैं तो समझ नहीं है ना, मोरनी कैसे बन के चल जाएगी यार लड़की, गाने भी पता नहीं अजीब वो ग्रीवी नहीं बनाते हैं। और अरे फाइनली आज हमने पता है क्या एक चीज मिस कर दी, हमने बोली नहीं है, है ना जोश जोश में जोश स्टूडियो के कोक स्टूडियो के जोश में हमने एक चीज नहीं बोली जिसके पीछे हम बहुत लड़ते हैं और बड़ा झगड़ते हैं, है ना, सब्सक्राइब लाल रंग का जो है वो दबाना ही दबाना है, प्लस बेल आइकन भी दबाना ही दबाना है, प्लस लाइक तो करना ही करना है, प्लस शेयर भी करना है, प्लस कमेंट भी करना है, प्लस प्यार भी देना है, प्लस आगे सजेशन भी देनी है, प्लस बस प्लस 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 प्लस। हाँ दोस्तों जो गुरवीर ने बोला है प्लीज अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें और उसे प्लीज इम्प्लीमेंट करें। और साथ में कमेंट्स भी करें, हमें रिक्वेस्ट बताएं, हमें पता लगे जिसपे हम रिएक्शन कर सकते हैं। और हमें कोक स्टूडियो फाइनली बहुत ही मजा आया, और गुरी ये गिटार पे गाना निकलना चाहिए, मैंने सुनना है भाई। और जिन्हें नहीं पता मैं ये चीज बता दूं, ये भाई साहब हमारे गुरवीर भाई साहब बहुत ही अच्छे सिंगर है, इसीलिए इनको कोक फूलना मत और फटना मत, ठीक है, तारीफ थोड़ी से कर रहा हूँ। फटने को साले मैं ड्रम हूँ, तू तो साले मेरी तारीफ करने से रहा, इसी के साले फटने को मैं कोई ड्रम हूँ तो भाई क्या पता तारीफ करना है कुछ हो तो सही, तारीफ तो मैं तब करूँ। ओ भाई खटिया सिंगर, साले को कुछ नहीं आता जाता, बेकार साले, आवाज सुनो के भाग जाओगे, भागो 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 भागो, भूत आया भूत आया हायो मेरे रब्बा। सुने ये भाई ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई। चलो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट करें और बेसब्री से, और क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो जो गुरवी ने बोला है उसे प्लीज इंप्लीमेंट करें, और लास्ट में यही करेंगे हम राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।